इसीलिए लोगों के जो मल्टीमीटर्स होते हैं आप देखोगे कि जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ उन्हें पता ही नहीं होती तो यही है कि पंद्रह सौ के ऊपर की मैं चीज़ ले रहा हूँ ये ऑटोमेटिक है तो ये बेहतरीन होगा ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए सारे फीचर्स डिटेल्स आपको समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देख सकते हो मेजर कर सकते हो कि हाँ वेब फॉर्म्स हमारी बराबर चल रही है नहीं चल रहा है तो बहुत ये भी बड़ा हैंडी फीचर है सबसे बॉडें तो इसी के लिए दिया हुआ फ्यूज है तो ये प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोलना था कंक्लूजन में हमने बहुत सी चीज़ें बता दी कौन सा लेना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो ये ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो बाहर से अच्छी लगे वो अच्छी ही हो या फिर वो अच्छी ही निकले तो आज हम इसको डिटेल में जानने वाले मल्टीमीटर को जिनको इसके बारे में पता है वो भी बहुत कुछ जानेंगे आज बहुत से खुलासे करूंगा मैं तो आज हम करेंगे बहुत से खुलासे और आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह का मल्टीमीटर हमें लेना चाहिए और कौन सा मल्टीमीटर अच्छा होता है स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर डिटेल में हम उसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे ये बिगिनर्स के लिए आप ले सकते हो सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये मल्टीमीटर ठीक है आपको इसमें अलग अलग मोड्स दिखेंगे वोल्टेजेस के डायरेक्ट करंट जिसको हम काउंट कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं फिर बाद में वोल्टेज आप एम्पियर का भी इसमें मेजर कर सकते हो फिर एम्पियर इसमें मेजर कर सकते हो लेकिन डी का वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इसका प्राइस होता है सौ रुपये से लेकर ढाई सौ रुपये तक ये सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में मिलेगा और लोगों के पास भी दिखेगा फिर इसमें प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोटेक्शन दो तरह के प्रोटेक्शन होते हैं सबसे पहला प्रोटेक्शन ये होता है कि आप मोड्स जो होते हैं इसमें जो मोड्स दिए हुए हैं उसका एक प्रोटेक्शन होता है जैसे आप किसी एक मोड को सिलेक्ट करते हो जैसे मुझे अगर 9 वोल्ट की बैटरी को टेस्ट करना है या फिर ऐसा कुछ करना है तो मैं यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट पे आपको ऑलरेडी यहाँ मुंबई भाषा में अगर मैं बोलूँ तो दिखरेला है यहाँ पे यहाँ पे सेट है बीस पे तो ये ऑब्वियसली ये वोल्टेज आपको डी का डायरेक्ट करंट का वोल्टेज आपको मेजर करके दे देगा बीस वोल्ट तक लेकिन अगर इसी मोड को हम किसी रॉन्ग मोड पर लेके जाते हैं जैसे अगर मुझे डीसी काउंट करना है किसी बैटरी का और मैं उसको किसी और मोड़ पे लेके जाऊँ या एम्पियर के मोड़ पे लेके चले जाओ या फिर टेम्परेचर के मोड़ पे लेके चले जाओ या फिर कंटिन्यूटी के मोड पे लेके चले जाओ तो ऐसे ही किसी मोड पे गलत मोड सेट करने से ये मोड तो सही है लेकिन आप गलत तरीके से सेट करके उसको गलत चीज़ें मेजर करने जाओगे ये एक तो फ्यूज़ हो जाएगा ये ख़राब हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा कुछ भी हो सकता है तो उसी प्रोटेक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो इसमें दिया हुआ नहीं होता काफ़ी हद तक इसलिए ज़्यादा जल्दी खराब होता है लेकिन बिगिनर मोड के लिए ये बेटर है अगर सौ डेढ़ सौ रुपये की ढाई सौ रुपये की अगर चीज़ आपकी ख़राब होती भी है स्टार्टिंग में तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला जल्दी से आगे बढ़ते हैं

काउंट कर सकते हो मेजर कर सकते हो बट उसका भी करने का एक तरीका है उसको क्लोज सर्किट में लेके करना पड़ता है जो क्लोज सर्किट के बारे में जानते होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ जिनको पता ही नहीं है उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरा मैंने बैटरी जिसमें टेस्ट करके दिखाया जिसमें मैंने लोड के साथ में उसको एम्पियर को चेक करके दिखाया लैपटॉप की बैटरी को वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके देख सकते हो मैक्स एम्पियर इसमें आप काउंट uh, कर सकते हो दस एम्पियर अगर आप डायरेक्टली काउंट करोगे तो देखिए यहाँ पे मैक्स मैंने टेन सेकंड लिख के रखा हुआ आप बोलोगे कि मैक्सिमम टेस्ट सेकंड क्या होता है अगर मैंने डायरेक्टली काउंट किया तो आपके जो प्रोब्स होते हैं जो उसमें अटैच होते हैं ब्लैक और रेड आपने मोस्टली देखा होगा वो दस सेकेंड के अगर ऊपर हो जाए तो वो हीट करना शुरू करते हैं पिघलना शुरू कर देंगे और आपका ये मल्टीमीटर पूरी तरह से खराब हो सकता है देर इज अ टेक्निक टू काउंट डी सी एम्पियर नो हाउ चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा इसका सबसे बड़ा डिसएडवाटेज यही है कि आप इसको कैनॉट मेजर ए सी एम्पियर मतलब आप इसमें ऑल्टरनेट करंट का डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी काउंट नहीं कर सकते ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आगे बढ़ते हैं आपने इस तरह के मल्टीमीटर देखे होंगे आपके आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये जो है किसी किसी कंपनी के बारे में कुछ बोलने नहीं वाला है यहाँ पे कि मैं किसी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ ना ही कोई मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं आप जेनुन रिव्यू दूंगा आपको और जेनुन आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मुझे किसी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जितने भी मिलने वाले प्योर और प्योर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इसके बारे में बहुत कुछ आप जानेंगे लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये पाँच सौ पाँच सौ रुपये चार सौ रुपये छः सौ रुपये आपने देखा होगा इस प्राइस होती है ऑनलाइन बहुत मिलते हैं इसके भी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपको दिख रहा है देखिए डी सी ए सी का इसमें मोड है पावर का बटन दिया हुआ है और इसमें आपको ट्वेंटी एम्पेयर का भी यहाँ पे देखिए एक प्रोप फिक्स करने के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्ट्राइक और यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो ऑल्टरनेट है डी सी यहाँ पर डी सी लिखा हुआ अब मैं सबसे पहले बिगिनर मोड पर आया था अब हम बिगिनर मोड पर नहीं जाएंगे हम सीधा एक्सपर्ट लेवल पर जाएंगे क्योंकि इंटरमीडिएट जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं होती तो ये राइट साइड का मैंने लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए इसको एक्सपर्ट लेवल पे हम मैं रिकमेंड करूँगा दूसरी चीज़ है इसका प्राइस आपको मिल जाएगा मार्केट में वन थाउजेंड रुपीज़ से लेके वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड तक आपको इसका प्राइस रेंज मिल जाएगा आगे पीछे हो सकता है फीचर्स के हिसाब से इसमें प्रोटेक्शन डेफिनेटली होता है प्रोटेक्शन में किस प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ दो तरह के प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं मैंने पहले बताया आपको इसके पहले भी फिर से मैं दोहरा देता हूँ एक ये कि भाई अगर आपने किसी रॉन्ग मोड पे सिलेक्ट किया है उसको रॉन्ग तरीके से अगर कुछ काउंट कर रहे हो आप वो प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है दूसरा इसमें फ्यूज प्रोटेक्शन होता है फ्यूज प्रोटेक्शन होता है वो अभी आगे और हम डिटेल में देखेंगे आप पूरी वीडियो को फोकस के साथ देखिए पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी गारंटीड मैं बता रहा हूँ आपको जब खरीदना रहेगा इसको और आपको यूज करना रहेगा प्रॉपर वे से आप खरीदोगे राइट मल्टीमीटर अपने लिए चूज कर पाओगे ये देखने के बाद तो इसमें वो प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसका एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको दिखा दिखाऊँ बता दूँ इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें आप देखिए यहाँ पे स्पेशली आपको 20 एमपियर का एक यहाँ पे देखिए मोड दिख रहा है यहाँ पे नीचे फ्यूज लिखा हुआ है 20 एमपीयर मैक्स लिखा हुआ है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें ए सी वोल्ट और एमपियर दोनों मेजर कर सकते हो या यहाँ पे बटन देख रहे हो ऊपर डी और ए इसको डी में रख सकते हो इसको ए में रख सकते हो जब ए का काउंट करना तो ए में रख लो इसको स्विच कर लो डीसी का करना है डी में स्विच कर लो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें ज़्यादा इसका कॉस्टिंग आता नहीं है इसमें देखिए वही मैं चीज़ आपको थोड़ी देर पहले बताई देखिए ट्वेंटी एम्पेयर विथ फ्यूज प्रोटेक्शन तो इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे अब इसमें क्या मिसिंग है इसमें मिसिंग है एन सी क्या होता है हम आगे देखेंगे ट्रू आर एम एस में नहीं मिलेगा आपको ठीक है ऑसिलोस्कोप आपको इसमें नहीं मिलेगा ठीक है होल्ड का बटन आपको किसी में मिल सकता है किसी में नहीं मिल सकता है सेव का बटन भी किसी में मिल सकता है किसी में नहीं मिल सकता है बैकलाइट का भी किसी में मिल सकता है किसी में नहीं मिल सकता है वो डिपेंड करता है आप किस प्राइस रेंज में ले रहे हो और क्या क्या उसमें उस प्राइस रेंज में फ़ीचर्स अवेलेबल है लेकिन इन फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ ये इस मल्टीमीटर में तो अवेलेबल नहीं है हाँ अगर आप इससे थोड़ा ऊपर प्राइस बढ़ाते हो रेंज बढ़ाते हो उस तरह से आपको फ़ीचर आगे पीछे हो जाएंगे ये एक और मल्टीमीटर है मेरे पास में देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको विच मोड दिखेंगे नहीं यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक की श्रेणी में आता है इसमें ऑटो रेंज वगैरह होती है लेकिन इसमें आपको होल्ड की बटन मिल जाएगी देखिए यहाँ पे होल्ड लिखा है और ये जो येलो बटन दिख रही है आपको ये बैकलाइट की बटन होती है इसको दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक डिस्प्ले में एक लाइट दिखेगा जिससे आपको ये जो डिजिट से इनको देखने में आसानी होगी तो ये भी एक्सपर्ट लेवल पे हम हमने इसको रखा हुआ है इसका प्राइस रेंज है ऑटोमेटिक होने की वजह से पंद्रह सौ के ऊपर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है महंगा मिलेगा आपको प्रोटेक्शन इसमें भी दिया हुआ होता है दोनों प्रोटेक्शन है जो फर्स्ट लेवल का मैंने आपको बताया वो भी प्रोटेक्शन है और जो फ्यूज़ प्रोटेक्शन है वो भी आपको इसमें मिलेगा एडवांटेज इसका यही है कि आ, ये भी एसी डीसी लेकिन ये मैं बता दूँ ये वोल्टेज मीटर है ये प्योरली वोल्टेज मीटर है ये इससे आप एसी डीसी का स्पेशली एसी का एम्पेयर नहीं चेक कर सकते भले ये ऑटोमेटिक हो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पंद्रह के ऊपर कोई मल्टीमीटर खरीद रहे हो तयवे मैं आपको बोल रहा था ये ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो बाहर से अच्छी ही अच्छी दिखे वो हमेशा अच्छी ही निकले यही मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोला तो यही है कि पंद्रह सौ के ऊपर की मैं चीज़ ले रहा हूँ ये ऑटोमेटिक है तो ये बेहतरीन होगा ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए सारे फीचर्स डिटेल्स आपको समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में हम फंस जाते हैं और गलत चीज़ें उठा लेते हैं अब इसका और एक एडवांटेज है इसमें देखिए वही मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सेव का होल्ड का और बैकलेट का इसमें आपको फीचर मिल जाएगा ये आइसो सर्टिफाइड होता है इसमें फ्यूज प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है ये भी मैं थोड़ी देर पहले बता दिया आपको अब इसमें मिसिंग क्या है इसमें एनसीबी नहीं है ट्रू आर नहीं है ऑसिलोस्कोप नहीं है ये क्या है अभी इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ आगे हम सब देखेंगे तो एनसीबी देख लेते सबसे पहले इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज मैं अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ ये नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज क्या होता है उसी की उसका हमने डेमो भी देखा था प्रैक्टिकल आप मेरे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस में जाके देख सकते हो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा इसका लिंक तो इसका सबसे बड़ा दिस फीचर इज़ वेरी यूजफुल एंड हैंडी वाइल्ड टेस्टिंग लाइव वायर जब भी हम कोई लाइव वायर टेस्ट करते हैं या उसको चेक करने के लिए जाते हैं तो ये बहुत हमारे लिए काम का होता है हम बस उसके पास में से लेके जाते हैं इट सेफली रिवील्स द लाइव वोल्टेज और पावर जोन विद द हेल्प ऑफ अलर्ट बीप साउंड एंड एल इंडिकेटर जब भी हम इस डिवाइस को एन बटन के ऊपर मोड़ के ऊपर सेलेक्ट करके जब लेके जाते हैं किसी भी पावर बोर्ड के पास में जैसे हमारा बटन का बोर्ड होता है उसके पास में तो ये या फिर किसी वायर के पास में जिसमें से करंट बह रहा हो है ना सिंपल भाषा में बोलो तो करंट करंट बह रहा हो तो ये बीप करना शुरू कर देगा एल इंडिकेटर भी आपको शो करना शुरू कर देगा आ, दिस फीचर इज शॉक प्रूफ तो इससे हमें शॉक लगने का डर नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्टली उस लाइव वायर को करंट के वायर को या फिर वोल्टेज के जो भी बोल लो आप उसको डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हम दूर से ही उस इससे आइडेंटिफाई कर लेते तो डेंजर है हमें पता चल जाता है तो उसी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो देखिए सिलेक्ट का बटन है होल्ड का बटन है और यहाँ पे देखिए एन का मोड दिख रहा होगा आपको इस एन के मोड पर इसको स्विच कर लो आप और फिर देखिए इस तरह से देखिए हाथ में दूर से ही उस बोर्ड के पास में लेके जा रहा हूँ मैं तो मुझे बीप साउंड आएगा एल इंडिकेटर भी दिखेगा बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन फीचर रही है ये अगर आप थोड़े से पैसे डाल के लेते हो तो आजकल का नया फीचर आ रहा बहुत बढ़िया है होल्ड दिस नियर पावर बोर्ड्स और केबल्स ये 100% परसेंट शॉक प्रूफ है कोई शॉक का टेंशन नहीं है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अब इसका मैं आपको बता दूं इसमें क्या ड्रॉबैक है खासियत तो है ये लेकिन एक ख़राबी जैसे मैं पास में लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए डिस्प्ले इसका ब्लैंक है यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है सिर्फ इसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है कि वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आ रही है ये देखने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है डिजिटल टेस्टर का आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उसमें आपको वैल्यूज़ दिखेंगी डिस्प्ले के ऊपर कि वो कितना वोल्ट है कितना वोल्टेज उसमें से जा रहा है वो भी आप देख सकते हो उसके डिस्प्ले में तो उसमें वो बेनिफिट है इसमें वो बेनिफिट नहीं है ये मिसिंग है इसमें लेते हो पैसा खर्चा करते हो लेकिन ये इसमें फीचर दिया हुआ नहीं है मुझे पता नहीं वो क्यों डाला हुआ नहीं है अब शायद आगे ये लोग डाल भी देंगे ये फीचर अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है इसमें और इसमें अभी नए मल्टीमीटर में देखिए आप मार्केट में आपको इस तरह के मिलेंगे टच स्क्रीन मीटर्स भी आ चुके हैं अवेलेबल है मार्केट में जैसे फोन्स होते हैं मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स होते हैं टच स्क्रीन वाले वैसे टच स्क्रीन वाले भी मल्टीमीटर आने लग गए ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर में इसी तरह से मल्टीमीटर आपको देखने को मिलेंगे या फिर अभी आपने देखे भी होंगे फॉरन कंट्रीज में अगर यूज होते हैं ये तो अभी हमारा वो सेक्शन पूरा हो चुका है अभी हम क्लैंप मीटर पे आ चुके हैं एसी डीसी क्लैंप मीटर अब ये एसी डीसी क्लैंप मीटर बहुत काम की चीज़ होती है ये दोनों इसमें काम में आ जाएगा करंट यूज करने के लिए भी एक्सपर्ट लेवल पे यूज होता है इसका रेंज होता है प्राइस रेंज का थाउजेंड रुपीज से आपको मिल जाता है मार्केट में आसानी से इसमें भी अलग अलग आपको ब्रांड्स मिलेंगे मैं किसी ब्रांड के यहाँ पे अभी नाम नहीं ले रहा हूँ अब ये देखने के बाद इतने होशियार बन जाओगे आप कि आप खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे इतना आपको नॉलेज पड़ जाएगा कि आप देख लोगे कि भैया अच्छी चीज़ कौन सी है ख़राब चीज़ कौन सी है आपको इतना नॉलेज तो मैं दे ही दूंगा इसमें तो इसमें प्रोटेक्शन है जैसे मैंने आपको बोला था पहला प्रोटेक्शन दूसरे तरीके का भी इसमें प्रोटेक्शन है तो टेंशन मतलब आप एडवांटेज है इसका वही है ए सी वोल्ट और एम्पियर दोनों चेक कर सकते हो आप ये कि इसमें थोड़ा सा जो होता है एम्पियर का करंट आपको एक क्लैंप मीटर जैसा होता है तो इसमें एक रेंज होती है आप बीस एम्पियर के ऊपर भी काउंट कर सकते हो उस तरह के भी आते हैं जैसे हम हमने देखे थे मल्टीमीटर पहले दस एम्पियर बीस एम्पियर तो इसमें वो लिमिट ये क्रॉस करता है जैसे तीस एम्पियर फोर्टी एम्पियर सिक्सटी एम्पियर एटी एम्पियर जैसे आप देख सकते हो आजकल सोलर सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं लोग तो उसमें डीसी करंट चेक करने के लिए वो एम्पियर चेक करने के लिए आप क्लाइंप मीटर का यूज़ करते हो तो उसमें सोलर एम्पियर का यूज़ होता है कभी कभी उसमें एम्पियर बढ़ा दिए जाते हैं चालीस एम्पियर फिफ्टी एम्पियर तो उसके लिए आपको क्लैंप मीटर ही यूज़ होगा एक्सपर्ट लेवल पे यही यूज होता है एडवांटेज इसमें भी है सेव का बटन मिल जाएगा होल्ड का मिल जाएगा बैकलेट मिल जाएगा इसमें ट्रू आर मिलेगा आपको ये सबसे बड़ी चीज है अभी ट्रू आर हम आगे देखेंगे एनसीबी के बारे में आपको बता चुका हूँ तो इसमें एनसीबी भी मिलेगा ट्रू आर भी मिलेगा आपको आईसो सर्टिफाइड होते हैं इसमें भी फ्यूज प्रोटेक्शन मिलेगा दोनों तरह के प्रोटेक्शन इसमें दिए हुए मिल जाएंगे आपको मिसिंग है इसमें ऑसिलोस्कोप ऑसिलोस्कोप क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में ये भी बहुत हैंडी और बहुत ही बढ़िया फीचर है ऑसिलोस्कोप ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रू आर क्या होता है ट्रू आर के बारे में बता देता हो आपको इसको बोल लेते हैं हम ट्रू आर का आर का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वेयर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा आर एम इज ओनली अप्लाइड ऑन अर्ट इतना समझ लो कि बस ये ऑल्टरनेट करंट में ही आर अप्लाई होता है बाकी डी में इसका कोई लेना देना नहीं है ये दिमाग में बिठा लो दूसरा ऑल्टरनेट करंट इज नॉट स्टेबल एट ऑल फुल वेव रेक्टिफिकेशन फ्लक्चुएट पावर वैल्यूज़ तो ऑल्टरनेट करंट आपको पता है वो स्टेबल नहीं होता डीसी की तरह डीसी डायरेक्ट ऐसे सीधे लाइन में बहता है ये वेव फॉम में बहता है तो ऑब्वियसली अल्टरनेट करंट को स्टेबल होता नहीं है फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है इसीलिए फ़्लक्चुएट होते रहता है आगे पीछे आगे पीछे होते रहता है वोल्टेज आप देखो कि कोई फिक्स वोल्टेज आपको इसमें मिलता नहीं तो उसी के चक्कर में पावर की रेटिंग तो भी खराब हो जाती है तो वही जो सही रेटिंग है वो आ नहीं पाती एग्जैक्ट रेटिंग है वो आ नहीं पाती कि एग्जैक्टली exactly वो हमारा डिवाइस कितना इनपुट ले रहा है और कितना आउटपुट इसमें से जा रहा है ठीक है आउटपुट इनपुट की वैल्यूज़ नहीं मिल पाती तो आर एम एस अप्लाइड फीचर कैलकुलेट पिक्स एंड रिफ्लेक्ट द स्टेबल पावर वैल्यूज अभी आर एम एस फीचर का काम ही वो है कि उस जो फ्लक्चुएट हो रहा है जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको ये कैलकुलेट करके जो उसकी पिक वैल्यूज होती है पिक होता है तो आर एम एस अपलाइड फीचर कैलकुलेट पिक्स एंड रिफ्लेक्ट द स्टेबल पावर वैल्यूज अब ये क्या करता है पिक्स को पकड़ता है और उसका एक एवरेज निकाल के उसको फॉर्मूला अप्लाई करके रूट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट का वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है फीचर्स इंक्लूड होता है और वो कैलकुलेट करके आपको एक फिक्स्ड वैल्यू दे देता है उसको करेक्ट कर लेता है उस वैल्यू को और आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा यही आप इस इमेज में देखोगे देखिए मल्टीमीटर टाइप है एवरेज रिस्पॉन्डिंग और ट्रू आर आपको यहाँ पे दो मिल रहा है रिस्पॉन्स टू साइन वेव आप देख लो यहाँ पे एवरेज रिस्पॉन्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ तो जिसमें ट्रू आर फीचर नहीं है उसमें तो करेक्ट है ये वेव्स तो इस तरह की दिखती है आपको अगर नॉर्मल आप डायरेक्ट चेंज कर चेक कर लोगे तो आपको ऐसी वेव्स दिखेंगी अब क्या होता है रिस्पॉन्स टू स्क्वेयर वेव अगर स्क्वेयर वेव चल रही है इस तरह की इसमें क्या हो जाएगा स्क्वेयर वेव में जो एवरेज रिस्पॉन्डिंग है वो टेन परसेंट हाई चले जाएगा तो आपको गलत वैल्यूज मिलेंगी अब ट्रू आर क्या कर देगा उसको उस फॉर्मूला लगा के ठीक है उसको करेक्ट कर देगा स्टेबल कर देगा रिस्पॉन्स टू सिंगल फेज डाओट्रेक्टिफ रेक्टिफायर में भी देखिए आप इसमें भी देखिए किस तरह की आपको वेव्स दिख रही है ठीक है 40% लो कर देगा ये फिर से ट्रू आर एम एस आके उसको करेक्ट कर देगा आपको एक्जैक्ट वैल्यू मिलेगी रिस्पॉन्स टू थ्री रेक्टिफायर इसमें भी आपको इस तरह की वेवफॉर्म्स मिलेंगी थ्री फाइव परसेंट टू फिफ्ट थर्टी परसेंट लो कर देगा फिर इससे आर एम एस आरएमएस को आर एम एस करेक्ट कर देगा तो आपको आर एम एस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको करेक्ट वैल्यूज मिलेगी हर बार आगे चलते हैं ऑसिलोस्कोप के बारे में देख लेते हैं ऑसिलोस्कोप डिस्प्लेस वेवफॉर्म इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विद वोल्ट एम्पियर वैल्यूज ऑसिलोस्कोप का सबसे बड़ा काम ये होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वेव्स बताए ना जैसे डायरेक्ट करंट चलता है सीधा ऑल्टरनेट करंट चलता है ऊपर नीचे तो जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें सेट होते हैं देखिए आप यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखते हो इसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा होता है मल्टीमीटर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन आपको इसमें एक आप देखा आपने देखा होगा कि कभी हॉस्पिटल में आप ए मशीन देखते हो या फिर आप वेंटिलेटर देखते हो तो उसमें हार्ट की बीट्स वगैरह मिल जाते हैं मशीन में देखने के लिए एक्जक्टली exactly उसी तरह का है ऑसिलोस्कोप वेव फॉर्म में आपको दिखा देगा वेव चलती है उनको ये दिखाने का काम करें उसको देख सकते हो मेजर कर सकते हो कि हाँ वेव फॉर्म्स हमारी बराबर चल रही है नहीं चल रहा है तो बहुत ये भी बड़ा हैंडी फीचर है अब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है जो मल्टीमीटर मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके अंदर कुछ इस तरह का होता है आप देख सकते हो ये सिंपल है बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं ये आता भी सस्ता है इसके अंदर ऐसा ही कुछ होता है ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं देखिए कुछ छिप पिप भी नहीं दी हुई है इसमें कुछ सिंपल भाषा में बोले तो ना आपको यहाँ पे कोई फ्यूज़ प्रोटेक्शन दिख रहा है ना कोई कुछ और दिख रहा है तो ये बैटरी है सिंपली बज़र है इसके अंदर और ये मल्टीमीटर के अंदर का पी ये जो मैंने बोला था लेफ्ट साइड में ये जो चार सौ पाँच में आजकल बहुत ऑनलाइन बिक रहे हैं तो इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे एक ही फ्यूज़ मिल रहा है नीचे सबसे बहुत तो ऐसी के लिए दिया हुआ फ्यूज़ है तो ये प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलेगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था और इस तरह की उसके अंदर की पी होती है देखिए क्या ये उससे ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देगा कौन सा लेना चाहिए आपने ये भी मैं आप, ये आपको बताऊंगा कि बिगिनर के लिए कौन सा लेना चाहिए अब इसको देख लीजिए हम नेक्स्ट वाली पी देख लीजिए ये पी को देखिए आप देखते ही आपको पता चलेगा देखिए यहाँ पे दो फ्यूज लगे हुए हैं दो दो फ्यूज लगे हुए अब यहाँ पे दोनों होंगे डीसी और एसी दोनों के लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे चीप देखिए इसका इसका स्ट्रक्चर देखिए देखिए इसमें जो सेमी कंडक्टर्स लगे हुए हैं वो आप देख सकते हो उसी से आपको अंदाजा आ जाएगा कैपेसिटर्स डायोड्स आईसीज ओके रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं यहाँ पे सारे सेमी कंडक्टर्स उसी से आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या क्वालिटी हो सकती है देखिए किस क्वालिटी का होता है और किस लेवल का होता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं प्राइज रेंज आप देखते हो और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं कौन से प्राइज में अपको ऐसा, अपको ऐसा लगता है सभी मल्टीमीटर एक जैसे होते हैं नहीं नहीं दोस्तों सब एक जैसे नहीं होते तो यही मेन डिफरेंस दिखाने के लिए मैं आपको इतना डिटेलिंग वीडियो दे रहा हूँ और आपको बहुत सी चीजें इसमें मुझे लगता है समझ में आई है अभी तक आगे चलते हैं तो विच वन इज यूज इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इसमें फाइंड सम आईसो सर्टिफाइड कंपनीज फुलफिल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन एंड जस्टिफाई द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स कुछ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ पैरामीटर्स सेट करके रखे हुए होते हैं उन्होंने एक्यूरेसी के लिए मल्टीमीटर्स uh, के जो प्रोजेक्ट सबमिशन होते हैं तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको सर्टिफाइड होना चाहिए कुछ कंपनीज़ भी उन्होंने इसमें नॉमिनेट करके रखी हुई है और वो ऑथोराइज कंपनीज है उसी के उसमें चलते उनके प्रोजेक्ट्स में दूसरे वो रिकमेंड करते भी नहीं और वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते भी नहीं इसलिए मैंने तो उन कंपनीज़ के भी बारे में मैं डिटेल में वीडियो बाद में दे दूंगा सारा कुछ एक वीडियो में नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो ये गवर्नमेंट रिकमेंडेड आपको लेने अब कॉन्फ्लूजन क्या निकलता है कॉन्फ्लूजन में हम देख लेते हैं फटा फटाफट क्या निकलता है सबसे पहले रोबस्ट होना चाहिए मजबूती होनी चाहिए आपकी मल्टीमीटर में गिर जाए कहीं पे आप साइड पे जाए जाओगे इधर जाओगे उधर जाओगे उसके ऊपर यूनो गिर सकता है कुछ लग सकता है तो फूटना टूटना नीचे तो रोबस्टनेस तो उसमें होनी चाहिए प्रोटेक्शन पहले लेवल का प्रोटेक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है बहुत बार बताया वीडियो में तो प्रोटेक्शन तो इसमें होना ही होना चाहिए फ्यूज प्रोटेक्शन तो मस्ट है होना ही चाहिए क्योंकि गड़बड़ हो जाए कुछ हो जाए चौथी चीज़ है एन नॉन कांटेक्ट वोल्टेज ये भी फीचर हम पहले देख चुके वो भी होना चाहिए ट्रू आर तो होना ही चाहिए आज के डेट में थोड़ा यहाँ मैं एक चीज़ बता दू कि लेना कौन सा चाहिए हमें क्या आपको लगता है कि हाँ बिगिनर मैंने लिख दिया बिगिनर लेवल पे तो आपको आपको वो सौ डेढ़ सौ ढाई सौ वाला लेना चाहिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि देखिए आप सबसे बिगिनर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो लेना चाहिए नहीं वो आपके हाथ से ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी स्टार्टिंग में कुछ भी आप वैल्यू काउंट करने जाओगे मेजर करने जाओगे चेक करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ से गलतियाँ होंगी और वो शॉर्ट होने का फेल होने का हमेशा डर रहता है ख़राब होगा मत लो फ्यूज़ वाला लो ये सारे फ़ीचर जिसमें हो वो लो थोड़ा ज़्यादा पैसा जाएगा आपका लेकिन मैं बता रहा हूँ आप बिगिनर भी हो एक्सपर्ट भी हो कुछ भी हो अच्छे से सीख लो मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं बेसिक सीख लो और ये सारे फीचर जिसमें हो वो लो बेहतरीन रहेगा आपके लिए और आप बहुत सी चीज़ें जल्दी ग्रैप करोगे ऑसिलोस्कोप जिसमें हो होल्ड भी हो होल्ड इन द सेंस आप वैल्यूज़ को होल्ड कर सकते हो जो भी मैंने काउंट किया है होल्ड के बारे में मैं आपको बता दूँ है ना स्क्रीन जैसे मोबाइल का लेता है वैसे ये होल्ड कर देगा वो वैल्यू को आपको वहाँ पर स्क्रीन पे वो होल्ड हो जाएगी दिख जाएगी आपको कि हाँ इसका एग्जैक्ट कितना ओम्स है ये कितने ओम का है कितने किलो ओम्स का है या फिर जो भी वैल्यू हो वहाँ पे कितना वोल्ट है कितना एमपियर है वो होल्ड हो जाएगा और आप उसको अच्छे से रीड कर पाओगे सेव सेव बटन जैसे हम कोई भी डेटे डेटा में हम मोबाइल में सेव करते हैं ऐसा कुछ करते हैं तो वैल्यू भी सेव कर सकते हो आप चार से पाँच वैल्यूज जैसा आपका मल्टीमीटर है उसमें फीचर दिया हुआ है या फिर उसमें और आप उन चार पांच वैल्यूज को टैली कर सकते हो पीछे जाके भी और देख सकते हो बैकलाइट फीचर के ऊपर क्लियरली दिख जाएगी वैल्यूज दीस्ट आई सो सेटिफाइड होना चाहिए ये आपको अच्छा लगा होगा कन्फ्लूजन में हमने बहुत सी चीजें बता दी कौन सा लेना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आप इसी के साथ जाइए जो फी ये फीचर जिसमें इंक्लूड हो ये सारे ऐसा ही मल्टीमीटर लीजिए आप चाहे बिगिनर पे हो या फिर एडवांस लेवल पे हो थोड़ा बेसिक सीख लीजिए आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करना हो मानता हूँ मैं इससे बहुत सी चीज़ें आपको अभी यूज़ करनी नहीं हैं इन फ्यूचर जैसे भी प्रोफेशनल वे में काम करोगे धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक की टाटा बाय बाय